मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम शहर में जहां भी गए वहां हमें सुरक्षा बलों की खासी तैनाती देखने को मिली। पिछले दो दिनों से ये तैनाती बढ़ी हुई है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र इंसाफ की मांग के साथ इम्फाल और उसके आसपास के शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के अखबार अगर आप देखें तो आपको अलग अलग आंकड़े दिखाई देंगे। किसी अखबार में 125 स्टूडेंट्स और किसी में 170 से 175 स्टूडेंट्स के घायल होने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सुरक्षा बलों को पेलेट गन्स का, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा भीड़ को समेटने के लिए। कई स्टूडेंट्स अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये स्टूडेंट्स तब सड़कों पर उतरे जब स्टेट पर पिछले 4.5 महीने से ज़्यादा से लगा मोबाइल इंटरनेट बैन हटाया गया और दो छात्रों के मृत शरीरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई और शेयर की जाने लगी। ये एक 17 साल की लड़की और एक 20 साल के लड़के की तस्वीरें थीं। ये दोनों ही जुलाई में गुमशुदा हो गए थे। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिली। जब इंटरनेट बैन हटा तो एक तस्वीर जिसमें दोनों के मृत शरीर देखे जा सकते हैं शेयर की जाने लगी। उसी से गुस्साए छात्र सड़कों पर आए और उन्होंने मांग की कि इनके हत्यारों को, ये मैतेई समुदाय के छात्र जो मारे गए हैं, उनके समर्थन में मैतेई समुदाय के और छात्रों ने इनके हत्यारों को अरेस्ट किए जाने की, सज़ा दिलाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने शांति की अपील की है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं उसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहे। इंटरनेट दोबारा बंद कर दिया गया है उसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि हथियारों को पकड़ा जाएगा। अलग अलग टीम्स उसके लिए पूरे प्रदेश में भेजी गई हैं। भारत सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को इसकी जाँच का जिम्मा दिया है। CBI की टीम भी बुधवार को मणिपुर पहुंच गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य और उसकी जांच एजेंसियों में कम भरोसे के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिछले लगभग 5 महीनों से मणिपुर में कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच हुए हिंसा के सभी मामलों की तफ्तीश CBI को सौंप दी है। अब इस ताज़ा मामले के बाद विपक्षी पार्टियों ने मांग की है एक बार फिर कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों समुदायों के बीच बनी खाई को पाटने के लिए ये पहला कदम होगा कि मुख्यमंत्री अपनी गद्दी से हट जाएं। कैमरामैन प्रेमानंद भूमिनाथन के साथ दिव्या आर्य, BBC इम्फाल मणिपुर।